तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम ब्रोली वर्सेस वेजिटो की फाइट का एंड देखेंगे और एक सैयन का खात्मा होते हुए देखेंगे। अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी आर्थ ने और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करें अपने वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि वेजिटा अचानक से ही ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है और एकदम से ही उसके सर में से सींग निकलने लग जाते हैं। ये उसकी डेविल ट्रांसफॉर्मेशन है और इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा के ये सींग अचानक से ही बहुत बड़े हो जाते हैं और वेजिटा की ये डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आखिरकार पूरी हो जाती है। जैसे ही गोकू वेजिटा की इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखता है वो एकदम से हैरान रह जाता है। हम देखते हैं कि वेजिटा की ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी कुछ वेजिटो की तरह लग रही होती है। उसकी आंखें काले रंग की हो जाती हैं और उसके प्यूपल्स पर्पल रंग के हो जाते हैं। यही नहीं, वेजिटा की ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ उसकी ताकत भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। गोकू बिल्कुल शौक में होता है कि वेजिटा के साथ आखिर ये क्या हो रहा है और इसके बाद वो चिल्लाता है। वो बोलता है, वेजिटा ये आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ? ये तो वेजिटो की ताकत है, आखिर ये तुम्हारे पास कैसे आई? इसके बाद हम वेजिटा को देखते हैं। वेजिटा बिल्कुल भी हैरान नहीं लग रहा होता। वेजिटा बोलता है कि ये बात मैं तुमसे पहले भी बोल चुका हूँ कैकारोट, वेजिटो की ताकत जितनी तुम्हारी है उतनी मेरी भी है, पर हम दोनों में सिर्फ एक फ़र्क है और वो फ़र्क है हमारी एबिलिटीज़ में। तुम्हारे अंदर बस हिम्मत नहीं है कि तुम अपने अंदर की डार्कनेस को खुद पर कब्ज़ा पाने दो, जिस तरीके से मैंने होने दिया है, और यही कारण भी है कि तुम हमेशा कमज़ोर ही रहोगे। तभी हम देखते हैं कि डीमन वेजिटा एकदम से ही अपने पैर को उठाता है और एकदम से अपने घुटने से गोकू के चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मारता है। हम देखते हैं कि गोकू का सर एकदम से ही ऊपर की तरफ हो जाता है। वेजिटा के इस अटैक में बहुत ज़्यादा स्पीड और ताकत होती है और इसके बाद हम गोकू के चेहरे को देखते हैं। हम देखते हैं कि उसके प्यूपल्स भी गायब हो चुके होते हैं, पर यह किसी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से नहीं होता। ये होता है क्योंकि गोकू वेजिटा के अटैक की वजह से अपनी कॉन्शियसनेस खोने लग गया है। और तभी हम देखते हैं कि वेजिटा के अटैक की वजह से गोकू की बॉडी एकदम से ही हवा में उड़ने लग जाती है। और तभी हम देखते हैं कि वेजिटा अपना अगला अटैक करता है। वो एकदम से ही हवा में उछल जाता है और अपने दोनों हाथों को मिला लेता है। ये उसी तरीके का अटैक है जो कि गोकू ने भी कुछ समय पहले ट्राई किया था। वेजिटा बोलता है, ये फ़र्क है एक लो क्लास सैयन और एक सैयन रॉयल्टी में जो कि जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। वेजिटा एकदम से ही अपने अटैक को गोकू के सर के पीछे करता है और क्योंकि हम देख चुके हैं कि गोकू ऑलरेडी बेहोश होना शुरू हो चुका है, उसके मुंह से ज़रा सा दर्द की आवाज़ भी नहीं आती। और तभी हम देखते हैं कि वेजिटा के अटैक की वजह से गोकू बहुत ज़ोर से जाके ज़मीन से टकराने लग जाता है। गोकू इतनी ज़ोर से ज़मीन से टकराता है कि आसपास की ज़मीन टूट जाती है और इसके बाद हम गोकू के चेहरे को देखते हैं। गोकू अब पूरी तरीके से अनकॉन्शियस है। वेजिटा की इस नई ट्रांसफॉर्मेशन में गोकू उसके दो अटैक्स को भी नहीं झेल पाया। वेजिटा इसके बाद नीचे गोकू की तरफ देखता है। वो खुद अपनी ताकत से काफ़ी ज़्यादा हैरान था। वेजिटा इसके बाद बोलता है, मुझे माफ़ करना कैकारोट, पर यह कहानी अब उस तरीके से आगे नहीं बढ़ेगी जिस तरीके से तुम चाहते हो। इस बारी जीत मेरी है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा आसमान की तरफ देखता है और एकदम से ही हंसने लग जाता है। ये स्माइल काफ़ी ज़्यादा ईवन लग रही होती है। वेजिटा बोलता है, वेजिटो तुम ये देख रहे हो ना, ये काम जल्दी करो वेजिटो, ब्रोली को जल्दी ख़त्म करो। और इसके बाद हम बाहर आकर वेजिटो की फ़ाइट को देखते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटो और ब्रोली की फ़ाइट जारी होती है और दोनों के पंचेस अभी अभी टकराए होते हैं। वेजिटो बोलता है, ब्रोली। वेजिटो और ब्रोली एक दूसरे को पुश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी अचानक से वेजिटो के साथ कुछ होता है। हम देखते हैं कि उसके प्यूपल्स एकदम से ही रेड रंग के हो जाते हैं। ये चेंज कुछ ऐसा होता है कि वेजिटो भी इस चेंज को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वो भी काफ़ी हैरान रह जाता है। वेजिटो बोलता है, मेरी ताकत वो वापस लौट रही है, नहीं वो बढ़ रही है। जैसे ही वेजिटो के साथ ये चेंज हो रहा होता है, ब्रोली भी इस चीज़ को नोटिस कर लेता है क्योंकि वेजिटो की ताकत अचानक से ही बड़ी होती है और थोड़ा बहुत उसके फिजिकल अपीयरेंस में भी चेंज आया होता है। ब्रोली हैरान होकर बोलता है कि ये आखिर क्या हो रहा है, उसकी ताकत बढ़ रही है और ज़्यादा डार्क होती जा रही है। क्या इसने ऑलरेडी लूसिफ की और ज़्यादा ताकत को बाहर निकाल लिया है? एकदम से ही वेजिटो ब्रोली को देख के हंसने लग जाता है और बोलता है कि ब्रोली, लगता है मुझे अपने थेरेपिस्ट की ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी, पर बुरी बात यह है कि मैं इससे ऑलरेडी थक चुका हूँ। हमने देखा था कि वेजिटो और ब्रोली कहाँ टकराया होता है
अचानक से ही हम देखते हैं कि वेजिटो अपने हाथ को खोल लेता है और इसके बाद वो एकदम से ही ब्रोली के हाथ को जकड़ लेता है और उसके हाथ को मोड़ने लग जाता है। हम देखते हैं कि ब्रोली बिल्कुल हैरान रह जाता है। अगले ही पल हम देखते हैं कि वो एकदम से ही ब्रोली के हाथ को तोड़ देता है और एकदम से ही ब्रोली दर्द से कराहने लग जाता है। ब्रोली एकदम से दर्द से चिल्लाता है और बोलता है वेजिटो। हम देखते हैं कि वेजिटो इतनी देर में अपना अगला अटैक ऑलरेडी तैयार कर चुका होता है। वेजिटो के लेफ्ट हाथ में उसका पंच ऑलरेडी तैयार होता है और उसकी आंखें अभी भी पहले की तरह ही लाल होती हैं। वेजिटो ब्रोली को पंच नहीं मारता पर हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से ही ब्रोली की गर्दन को पकड़ लेता है और ब्रोली इस बात को जानता है कि अब जो कुछ भी ब्रोली के साथ होने वाला है वो ब्रोली को पसंद नहीं आएगा। ब्रोली एकदम से ही खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लग जाता है और तभी एकदम से वेजिटो हंसता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हारे मुंह से अपना नाम काफ़ी बारी सुन चुका हूँ। अगर तुम्हें ये नाम लेना इतना ज़्यादा पसंद है तो मुझे लगता है कि अगर तुम्हें इस नाम से पुकारा जाएगा तो तुम्हें और ज़्यादा पसंद आएगा। ये बोलते बोलते वेजिटो ब्रोली को पीछे की तरफ पुश कर रहा होता है। इसके बाद हम वेजिटो को उड़ते हुए देखते हैं। हम देखते हैं कि वो ब्रोली को पुश कर रहा होता है और उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि नॉर्मल आँखों से उसे देखा भी नहीं जा सकता। और इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से ही ब्रोली को बर्फ़ से बनी हुई ज़मीन में गाड़ देता है। ब्रोली अब ज़मीन के अंदर गड़ा हुआ है, उसके चारों तरफ बर्फ़ है और हम देखते हैं कि वेजिटो ने अभी भी उसकी गर्दन को नहीं छोड़ा है। वेजिटो इसके बाद ब्रोली की बॉडी को बर्फ़ के अंदर से बाहर निकालता है और उसे गर्दन से पकड़कर उठाने लग जाता है। ब्रोली की हालत बिल्कुल ख़राब लग रही होती है। ऐसा लगता है कि जैसे वो समझ चुका हो कि वो वेजिटो की ताकत का सामना अब नहीं कर पाएगा। वेजिटो ने ब्रोली की गर्दन को पकड़ा हुआ होता है पर फिर भी ब्रोली बोलने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि काफ़ी देरी हो चुकी है वेजिटो, तुम्हारे लिए काफ़ी देरी हो चुकी है। ये ताकत, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ये ताकत ग्रेट डीमन की ही है और अब तुम्हें सिर्फ एक ही शख्स रोक सकता है और वो हैं फादर। वेजिटो एकदम से ही ये बात सुन के हंसता है। वो बोलता है क्या फादर? मुझे लगता है कि इस वक्त जो मुझसे बोल रहा है वो मीरस है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पैरेगस के पास इतनी ताकत होगी कि मुझसे लड़ पाए। तुम मुझे बार बार ये बोल रहे हो कि मैं खुद को लूसिफ के हाथों खो रहा हूँ, पर अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो मुझे अपने अंदर इतना बेहतर कभी महसूस ही नहीं हुआ और तुम भी ये फील कर पाओगे जल्द ही। वेजिटो अब ब्रोली को और ज़्यादा बोलते हुए नहीं देखना चाहता, इसीलिए वो ब्रोली की गर्दन को एकदम से ही बहुत ज़ोर से दबाता है। वो इतनी ज़ोर से ब्रोली की गर्दन को दबाता है कि ऑलमोस्ट ब्रोली की सांस ही रुक जाती है। इसके बाद वेजिटो बहुत ही ईवल तरीके से ब्रोली की तरफ देखता है। वेजिटो बोलता है महानता के साथ एक हो जाओ ब्रोली। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो का हाथ एकदम से ही पिंक रंग का हो जाता है और ब्रोली की बॉडी के चारों तरफ फैलने लग जाता है। हम देखते हैं कि वेजिटो की बॉडी भी बिल्कुल पिंक रंग की हो चुकी होती है, यानी कि वो इस वक्त अपनी भूख की स्टेट में है। ब्रोली को विश्वास नहीं हो रहा होता कि ये उसके साथ क्या हो रहा है, पर वेजिटो के चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ स्माइल होती है। कुछ ही पलों में हम देखते हैं कि वेजिटो की पूरी बॉडी अपनी भूख की स्टेट में आ चुकी होती है और उसकी पूरी बॉडी बिल्कुल च्युइंग गम की तरह लग रही होती है और अपने इस स्टेट में वो ब्रोली को पूरी तरीके से कवर कर चुका होता है। पर वेजिटो के हंसते हुए चेहरे को हम अभी भी देख सकते हैं और इसके बाद वेजिटो का चेहरा दिखना भी बंद हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटो की मार्जिन बॉडी एकदम से ही छोटी होने लग जाती है और आखिरकार ज़मीन में एक छोटा सा ब्लॉब दिख रहा होता है। एकदम से ही हम देखते हैं कि वो ब्लॉब बड़ा होने लग जाता है और एक ह्यूमन शेप लेने लग जाता है। हम देखते हैं कि वेजिटो की बॉडी एक बार फिर से ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती है। इस बारी वो काफ़ी कुछ वेजिटो और ब्रोली का मिक्सचर लग रहा होता है। वेजिटो की किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसा पहली बारी हो रहा है कि उसके चेहरे में कोई फ़र्क आया हो और ये फ़र्क काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि उसका चेहरा ब्रोली की तरह अब ज़्यादा लग रहा होता है वेजिटो के मुकाबले। हम देखते हैं कि उसका हेयर स्टाइल भी काफ़ी कुछ ब्रोली की तरह ही हो रहा होता है और एकदम से ही हम देखते हैं कि वेजिटो पावर अप करता है। उसकी बॉडी अचानक से ही बहुत बड़ी हो जाती है और अपनी इस पावर वाली स्टेट में वो बिल्कुल ब्रोली की बिजरकर फॉर्म की तरह लग रहा होता है। वेजिटो ने ब्रोली की बॉडी पे कब्ज़ा पा लिया था, पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि ब्रोली ने वेजिटो की बॉडी पे कब्ज़ा पा लिया हो? ये हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि दोस्तों ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपने ये पार्ट यहाँ तक देख लिया है तो नीचे कमेंट कीजिए #brojito। और अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।